देखिए, योगी जी को तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। मेरे लिए अगर हीरो के रूप में देखा जाए तो शाहरुख सलमान ही योगी जी हैं। 24 में आ रही शैतान मुक्त है, बिल्कुल आएगी तभी शैतान मुक्त है सबका घर, वरना फिर शैतानों से भर जाएगा। राहुल गांधी के 1 लाख नहीं चाहिए क्या? करेंगे 1 लाख लेके, उसमें से कुछ पैसे से लड़कों को असलाह दिलाएंगे, कुछ से शराब पिलवाएंगे, क्या हमें नहीं चाहिए भैया? हम खुद कमा खा सकते हैं ना, हमें क्या जरूरत पा ही जाए, कमा नहीं सकते, हमें उनकी भीख क्यों चाहिए? ये कि मुझे ये पॉलिटिक्स कभी समझ नहीं आती थी। पहली बार ऐसा है कि जब योगी जी की सरकार बनी और उनको मैंने सुनना टीवी पे शुरू किया तो मैं बहुत एडमायर हुई, मैंने भाजपा को वोट किया। किसी माई के लाल में तम नहीं है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से योगी जी चला रहे हैं हुकूमत, तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमानों को डरा के, मुस्लिमों को डरा के लगते हैं वो योगी। मुसलमानों को कोई डराने के, मुसलमानों को करामते ये भूमाफिया के लोग जो खुराफाती लोग हैं, ये लोग डराते थे, फोन करते थे कि 10 लाख 50 लाख 25 लाख पहुँचा दो वरना तुम्हारे हम कब्रस्तान बना देंगे। तो वो अब किसी माई के लाल हल्के दम में नहीं कि 500 रुपये किसी से गुंडागर्दी रंगदारी मांग ले, उठा के जेल में ठूंस दिया जाएगा, उसकी जमानत नहीं होगी। तो अब योगी जी मोदी जी हो गए, उनको साथ मिल रहा है, उनकी जो परेशानियां हैं आवाज़ उन तक पहुंच रही है। पहले उनकी ज़मीन कब्जा कर ली जाती थी, आवाज़ नहीं उठा सकते थे, बोल नहीं सकते थे, तो इस तरह का माहौल रहा, उनको डरा दिया जाता। तो बहुत सारी कितनी ऐसी सारी चीज़ें हो चुकी जिसका वर्णन ही नहीं, कहीं इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, इस तरह की बीभत्स चीज़ें भी हुई है यहाँ। क्योंकि उनका बोलने का तरीका और काम करने का तरीका एक महिला होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो और नेताओं जैसे नहीं हैं, वो चीज़ों पे काम करते हैं। वो सबसे पहली चीज़, अगर वो पहली प्रायोरिटी कुछ रखते हैं तो पहली प्रायोरिटी ये है आपकी सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। चुनावी यात्रा पहुंची है प्रयागराज और आखिरकार बहुत जल्दी 4 जून आने वाली है और 4 जून को होना क्या है, जनता से पूछ रहे हैं कि जनता जनार्दन चाहती क्या और किस मुद्दों पर इस बार जनता अपना वोट कर रही है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 3 चरण के चुनाव बचे हैं। मेरे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं और मेरे साथ महाराज जी भी यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे पहले महिला शक्ति से बात करेंगे कि आखिर वो क्या इस चुनाव को समझती हैं। क्या नाम है आपका? मरियम खान। मरियम खान जी, इस चुनाव को एक मुस्लिम महिला के रूप में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि गठबंधन इंडिया गठबंधन सामने है और एनडीए गठबंधन में मोदी सामने हैं। आप लोगों ने 10 साल मोदी सरकार के देखे, 7 साल योगी सरकार के देखे और उससे पहले कांग्रेस सरकार भी देखी, मुलायम सिंह जी की सरकार भी देखी, क्या इस चुनाव में आप लोगों को नज़र आ रहा है? देखिए, दो बातें हैं। पहली तो ये कि मुझे ये पॉलिटिक्स कभी समझ नहीं आती थी। पहली बार ऐसा है कि जब योगी जी की सरकार बनी और उनको मैंने सुनना टीवी पे शुरू किया तो मैं बहुत एडमायर हुई, मैंने भाजपा को वोट किया। और अब के चुनाव को तो ऐसे मैं देखूंगी और दूसरों से भी कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं और एक क्लास में कभी फेल हो जाएं, हमें दूसरा साल मिलता है कि हम उस चीज़ को सुधारें, अपनी पढ़ाई बेहतर करके आगे जाने की कोशिश करें। वही चीज़ है, ये चुनाव आपको दूसरा मौका दे रहा है कि इस बार तो आप चीज़ों को समझ लें और आगे बढ़ने का ये मौका मिला है, इस बार तो पास हो जाइए योगी मोदी जी को वोट देके। मोदी जी को वोट देके, मरियम आपने कहा कि मोदी जी को वोट देकर पास हो जाइए। ये जो लोकसभा है जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़े हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी, अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले हैं। लेकिन बात अगर अतीक अहमद की हो तो अतीक अहमद भी यहीं से रहे, उनका भी चर्चाओं में नाम रहा, वर्चस्व रहा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि यूपी में कोई माफियागिरी नहीं चलेगी, यूपी में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यूपी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई के तौर पर रहेगा। यदि कोई माफिया गिरदी करेगा, गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा तो खुद सदन में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मला दिया जाएगा। आप लोग कैसे देखती हैं, योगी से आप लोग खुश हैं या योगी ने जो कहा वो आप लोग मानती हैं कि गलत कहा? देखिए, योगी जी को तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। मेरे लिए अगर हीरो के रूप में देखा जाए तो शाहरुख सलमान ही योगी जी हैं, क्योंकि उनका बोलने का तरीका और काम करने का तरीका एक महिला होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो और नेताओं जैसे नहीं हैं, वो चीज़ों पे काम करते हैं। वो सबसे पहली चीज़, अगर वो पहली प्रायोरिटी कुछ रखते हैं तो पहली प्रायोरिटी ये है आपकी सुरक्षा। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के ना कि कोई हमारे लिए अच्छा चाह रहा है। आज हमारे सामने कोई राइफल लेके नहीं बैठा है, हम इससे महफूज हैं ना, तो इससे अच्छा और क्या है। सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, सबके पास परिवार है, अपने परिवार को लेकर दुनिया चिंतित है, सुरक्षा बड़ी चीज है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल हसन। राहिल हसन, कैसे देखते हैं आप? अभी मरियम ने बोला कि सुरक्षा बड़ी चीज है, आप सब भाई खड़े हैं और एक अकेली महिला इस पूरे भाइयों के बीच में खड़ी हुई है, सुरक्षा को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन बात की जाए अखिलेश यादव जी की, इंडिया गठबंधन की, जो इस बार चुनाव में दोनों आमने सामने हैं, तो आप लोग किसको चुन रहे हैं इस बार?
इस बार तो हम लोग डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनना चाहते हैं और उन्हीं को वोट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम अभी प्रयागराज में, आप प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज जनता इस समय बड़ा सुकून महसूस कर रही है। सुकून वर्ड आप समझ सकते हैं कि क्या इसका तात्पर्य है। पहले यहाँ इस तरह का सुकूनियत नहीं थी। आप देखिए, मुस्लिम से बात करें तो हम मुस्लिम समाज की बात करेंगे, मुस्लिम समाज में सभी अमीर नहीं हैं, गरीब तबका भी है जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता था, जो कहीं कोई परेशानी आ जाती थी तो कोई उसको साथ नहीं देने वाला मिलता था। तो अब योगी जी मोदी जी हो गए, उनको साथ मिल रहा है, उनकी जो परेशानियां हैं आवाज़ उन तक पहुंच रही है। पहले उनकी ज़मीन कब्ज़ा कर ली जाती थी, आवाज़ नहीं उठा सकते थे, बोल नहीं सकते थे, तो इस तरह का माहौल रहा, उनको डरा दिया जाता। तो बहुत सारी कितनी ऐसी सारी चीज़ें हो चुकी जिसका वर्णन ही नहीं, कहीं इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, इस तरह की बीभत्स चीज़ें भी हुई है यहाँ। तो योगी जी ने जो किया है उत्तर प्रदेश के लिए वो तो अकल्पनीय है, बहुत अच्छा किया है, लोग बड़े सुकून में हैं, खुश हैं। और दूसरी चीज़, अभी क्योंकि वोट का समय आ रहा है तो मोदी जी ने देश को स्वर्णिम युग की ओर लौटाया है ना। अभी हम लोग जो है जो बात करते हैं कि खाली भारतवर्ष की जनता ही नहीं चाहती है, अभी आप चले जाइए पड़ोसी मुल्क में भी तो लोग कहते हैं योगी मोदी जैसा प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। राहुल गांधी भी तो हैं इस चुनाव में, अखिलेश यादव भी तो हैं इस चुनाव में, अरविंद केजरीवाल साहब बाहर आ गए बोल रहे मोदी इतना डर गए हैं कि मेरे सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी आप बताइए, अब यादव के साथ हो गया तो अब यादव ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी जो है, आप सोचिए अगर ऐसी अच्छी अच्छी स्थिति तो इनके पार्टी में भी इतने लोग जो गए हैं छोड़ छोड़ के कई तरह की बातें कह के, है ना। और देखिए पहली चीज़ तो समाज को खुद बांटते हैं, हिंदू मुसलमान की चीज़ें, वो दायरा वो खड़ा। अब देखिए अगर विकास किए होते तो आज वो जो उनका दौर आया है जो 400-300 की सीटों एक दौर ऐसा था कि 350-350 वोट सीट रही उनकी, और दौर आया कि अब देखिए क्या स्थिति होगी। तो क्या कुछ किया होगा, ऐसे कार्य किए होंगे जैसे जनता नाखुश हुई होगी, तो जनता नाखुश है उनसे, आज भी नाखुश है। और अखिलेश यादव की भी बात कर रहा हूँ, सिवाय यादव के वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, मुसलमानों का नाम लेके खाली एक दो को लॉलीपॉप दिला देते हैं, उनकी भी कुर्सी खींच के टांग खींच के गिरा देते हैं, बाकी यादव को बैठा के सेव करते हैं। देखिए सरकार किसकी बनने वाली है, भाई साहब आपका क्या नाम है? सरकार बीजेपी की बनने वाली है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिफ से। मोहम्मद शाहरुख भाई, ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आ रही है? क्योंकि माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार अच्छा काम वो करते आ रहे हैं, और इस बार भी तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनने जा रहे हैं। अगर मैं एज ए अल्पसंख्यक आप लोगों से बात करूं, एज ए मुस्लिम अगर आप लोगों से बात करूं, देखिए आप ही के समाज से अतीक अहमद आते थे, आप ही के समाज से मुख्तार अंसारी आते हैं, और यदि हिंदू समाज की बात की जाए तो मैं ब्राह्मण हूं और मेरे समाज से कहीं ना कहीं विकास दुबे आया करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी का कोई धर्म नहीं, यानी कि अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई माफियागर्दी करेगा तो उसको धर्म नहीं देखा जाएगा। लेकिन आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में आप लोग सेफ हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम करके सरकार बन रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान को वो सुरक्षा दे रहे हैं, हर इंसान को वो एक ही भांति देख रहे हैं, एक ही सम्मान देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको सम्मान दे रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, कैसे देख, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ भाई, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? क्योंकि देखिए यहाँ अहम कड़ी यहाँ से इसलिए जुड़ती है क्योंकि ये बिल्कुल अतीक अहमद का गढ़ है। मेन ये है कि इनके टक्कर में कोई है ही नहीं, मोदी जी के टक्कर में कोई है ही नहीं। लड़ने को तो बहुत गठबंधन है और भी है, लेकिन इनके मुकाबले में कोई नहीं है अभी इस टाइम, सिर्फ बीजेपी आना है उसी। यानी अतीक अहमद के गढ़ के लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी का काम खुद ठीक है, बस और कोई नहीं आना है। मोदी जी आएंगे 100%। सुरक्षा को कैसे देख रहे हैं आप? सुरक्षा भी बहुत बेहतर है पहले से। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सुरक्षा की बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद राइन है। राशिद राइन, ये बताइए, भैया ने कहा कि मोदी के मुकाबले कोई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जा रहे हैं। की बात करिए, आपने सुरक्षा की जो बात की है, इतने ढेर से मर्दों में जो एक महिला जो बोल रही, ये सुरक्षा है, ये जो है, ये जो है देश को आजादी दिलाने के लिए, न हिंदू मुसलमान, न लेडीज और न जेंट्स, सब एक साथ हैं। और बाकी जो मोदी जी का योजना की बात कर रहे हैं, योजना तो इतनी मिल रही है कि मैं क्या बताऊं, ज़्यादातर हम अल्पसंख्यकों को मिल रही है योजना, हर चीज़, गैस सिलेंडर ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, चाहे 5 लाख रुपए वाला आपका जी वो आयुष्मान कार्ड हो गया, आवास वाला हो गया, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और ये बस सरकार अच्छी चल रही है। अब देखिए आज 2 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर, चाहे जैसे भी ट्रांसफार्मर हो जाए, 2 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाता है, बदल जा रहा है। 2 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर, आज यहाँ पर प्रोग्राम था तो हम लोग ने फोन किया, 2 घंटा पहले खराब हुआ, 2 घंटा पहले बात आके जो ट्रांसफार्मर लग गया। ये योगी के राज में ये हो रहा है ना, पहले अखिलेश के जमाने में सुबह हम लोग को उलझन होती थी, जल्दी काम करो, 10 बजे का लाइट चली जाएगी, एक टेंशन बनी रहती थी कि 10 बजे का लाइट चली जाएगी, 2 बजे बाद लाइट आएगी। आज तो जो है लाइट का जो है हम लोग परेशान हो गए, फोन करके कहते हैं कि बिजली घर में भाई लाइट बंद करो, इन्वर्टर फुल हो गया है।
तो इन्वर्टर फुल हो गया है। अच्छा। इन्वर्टर बोल ना जाए तो आज ये हो गया है मामला। और योजना उजना सब मिल रही, मोदी जी के कहना है कि सबका साथ सबका विकास, वो वैसे ही कर रहे हैं सबका साथ। भाई साहब आपका कहना है, भेदभाव नहीं। क्या नाम है आपका? फैजान अहमद। फैजान अहमद भाई, भाई ने कहा कि मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आप यकीन करते हैं मोदी जी के नारे पर या इस चुनाव में यकीन हो रहा है अखिलेश यादव जी की बातों पर, राहुल गांधी जी की बातों पर, अरविंद केजरीवाल जी की बातों पर? नहीं, राहुल जी की बातों पर या अखिलेश जी की बातों पर क्या भरोसा आप करेंगे बताइए? इनके में कोई नेता है? ये अभी आपस में ये ठग गठबंधन है, अभी सब कोई मंच पे मिलेंगे उसके बाद आपस में खुद ही लड़ाई करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, पहले ये बताइए। इनके में कोई दूल्हा है जो प्रधानमंत्री बनेगा? ये आपस में खुद ही अभी लड़ाई करेंगे। आपने देखा भी मंच पे चाचा भतीजे लड़ाई करते थे। ये सत्ता पाने वाले लोग हैं, ये देश को बनाने वाले नहीं, ये परिवार के लोग हैं, ये केवल अपने परिवार को बढ़ाएंगे। आपने कहा मुसलमान का वोट लेंगे? हाँ। और अपने आप परिवार को बढ़ाएंगे। अरे वो तो कह रहे हैं मुसलमानों की लड़ाई तो हम लड़ते हैं, मुसलमानों के रहनुमा तो मुख्तार अंसारी के घर कौन गया? मुख्तार अंसारी के परिवार के से मिलने अखिलेश यादव जी के, उन्होंने कहा कि इंसाफ कब मिलेगा? आप घर जाके हमदर्दी देके क्या जाहिर क्या करना चाहते हैं? क्या जाहिर करना चाहते हैं? हमदर्दी ये थोड़ी ना कि एक मुसलमान के घर आप चले गए तो सारे मुसलमान खुश हो गए, उससे ये मतलब नहीं। मुसलमान आज किस कगार पे खड़ा है ये आप बताइए। मुसलमान आज जो खड़ा है ये सपा और कांग्रेस की देन है। हमने हमेशा उनको 70 साल वोट दिया, उन्होंने हमको क्या दिया? हमेशा पीछा, बंदूक राइफल गुंडागर्दी जमीन कब्जा करना, ये किसके ऐसे होता था? आज तो नहीं हो रहा है। आज आप बताइए, जैसे महिला सुरक्षा देख लीजिए, किसी भी आप पता कर लीजिए किसी भी यहाँ अगल बगल कोई की जमीन कोई कब्जा किया? हर आप लोग रिपोर्टर हैं, हमेशा आते थे तो पता चलता था फलाने की जमीन कोई कब्जा कर लिया, ये चीज़ हो गया, कहीं मर्डर हो गया। कहाँ हैं वो कब्जा करने वाले लोग, कहाँ चले गए वो कब्जा करने वाले लोग? या तो देश छोड़ के चले गए और या तो ऐसी जगह चले गए जहाँ से आने ही नहीं है अब, समझ रहे हैं? यानी योगी जो कह रहे हैं मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। और यही हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सब यही चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा हो, मेरी बहन मेरी बेटी बाहर जाए स्कूल पढ़ने जाए तो वो सुरक्षा से आए, वो किडनैप ना हो, उनको रंगदारी ना मांगी जाए कि सुबह पता चला अगर कोई ठेकेदार के बीवी बच्चे जाते थे तो शाम को पता चलता तो वो टेंशन में रहता था कि शाम को वो आ पाएगी कि हमको रंगदारी का फोन आएगा। अब ऐसा कहीं नहीं कुछ नहीं, खत्म है। व्यापारी से आप पूछिए, व्यापार अच्छे से कर रहा है, ना कोई गुंडई कर रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। पहले जींस की दुकान पर जाते थे गुंडे और 10 जींस लेके चले आते थे, बेचारे की व्यापारी की हिम्मत नहीं रहती थी कि वो पैसा मांग ले। अब आप देख लीजिए यही सिविल लाइन में यही नकाश कोने में कोई भी कोई SYZ जाए जो हो जाए छोटा हो जाए बड़ा हो गुंडे का नाम ही भूल गए। 2024 का चुनाव है और मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर अतीक अहमद का एक गढ़ कहा जाता था, अतीक अहमद का वर्चस्व रहा करता था। आप बताइए, मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउल हक है। जियाउल हक साहब, आप लोग कैसे देख रहे हैं? भैया ने कहा कि अब ऐसा कोई परेशानी नहीं है, कोई धमकाता नहीं डराता नहीं, ये सब सिस्टम खत्म हो गया। क्या आप मानते हैं 24 में मोदी आ रहे हैं कि लग रहा है कि अखिलेश जी का राहुल जी का जो गठबंधन है वो मोदी सरकार को हटा रहा है? अखिलेश जी का जो गठबंधन है, पहली बात तो वो आएगा नहीं, इसलिए कि मोदी जी से इतना ये लोग डरे हुए हैं और मोदी जी को 140 करोड़ जनता चुनी है, कोई एक दो बिरादरी या जात का उनको वोट नहीं मिल रहा है, उनको देश के हर कोने हर गली हर कूचे हर घर से वोट मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी शक्तिशाली पार्टी हो चुकी है, सारे धर्म जात को साथ में लेके चल रही है, और ये डराने और धमकाने काम अखिलेश जी और जो राहुल जी का ये गठबंधन है ना, ये जो कर रहे हैं ये चलने वाला नहीं है। और ये अपने खुराफाती लोगों को शह दे के ये सब खुराफात करा के सारे पैसे वसूल के अपने तिजोरी में भर लेते थे, अब उनका जनाजा निकल रहा है भाई। उनका जनाजा इसलिए निकल रहा है कि सब लूट रहा है लोगों से। अगर गरीबों के लूटोगे, गरीबों की आ लोगे, बदुआ लोगे, ज़मीन कब्जा करोगे, घर कब्जा करोगे, बच्चियों के साथ बलात्कार होगा, तो योगी जैसे लोग, योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, इतने हिम्मत वाले मुख्यमंत्री हैं जो 25 करोड़ जनता, उत्तर प्रदेश की जनता है, उन्होंने जिस तरीके से चुनाव में अपना दिखाया है ना, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से योगी जी चला रहे हैं हुकूमत। तो कह रहे हिंदू मुसलमानों को डरा के, मुस्लिमों को डरा के रखते हैं वो योगी। मुसलमानों को कोई डराने के, मुसलमानों को कराम थे ये भूमाफिया के लोग जो खुराफाती लोग हैं, ये लोग डराते थे, फोन करते थे कि 10 लाख 50 लाख 25 लाख पहुँचा दो वरना तुम्हारे हम कब्रस्तान बना देंगे। तो वो अब किसी माई के लाल हल्के दम में नहीं कि 500 रुपये किसी से गुंडागर्दी रंगदारी मांग ले, उठा के जेल में ठूंस दिया जाएगा, उसकी जमानत नहीं होगी। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई ने कहा कि अब किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी को पिस्टल लगा के डरा दे या किसी के घर में पर्ची फेंक दे कि भैया तेरा बेटा तो गया।
भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, कोई इतनी क्या नाम है आपका? जिशान अहमद नाम है। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मुख्तार अंसारी जी के घर शिवपाल यादव गए हैं, अखिलेश यादव गए हैं, तो जब मुख्तार अंसारी जी ने चिट्ठी लिख लिख के उनको भेजते थे तब तो ये नहीं जाते थे, सोचे जब मर जाएगा तब जाएंगे इनके घर, तो ऐसे जब वो मर गए तब उनके घर वो गए, उनको अटैक पड़ गया, और जिंदे रहते होते तो उनके लिए कुछ करे नहीं करे। तो कह रहे हैं मुसलमान मेरे साथ हैं, हिंदू भी अब की बार साथ हैं और मोदी की सरकार गई, आपकी वो खुद साफ हो जाएंगे, जितने हैं बचे हैं वो भी साफ हो, उनके कोई नेता है? उनके सारे नेता तो भाजपा में आ जा रहे हैं, उनके साथ कोई है ही नहीं है, गठबंधन कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, ये है कोई है ही नहीं उनके साथ। क्या लग रहा है 24 में 400 पार है? 400 पार भाई साहब क्या कहेंगे? शर्मा जी 400 पार है, और दूसरी चीज एक और बहुत चीज को, मुसलमानों की ये लोग आइडियल नहीं है, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद क्यों ऐसे बात करते हैं, ये हमारे क्या कौम के आइडियल हैं? हमारे बच्चे क्या इनसे सीखेंगे कि कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे समाज के लिए बेहतर करना है? ये हमारे कौम के बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल जो है हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी है, जिन्होंने देश के लिए काम किया, अब जो है परमवीर चक्र जिनको मिला हमारे अब्दुल हमीद जी, इस तरह के लोग हमारे जो है आइडियल हैं, ये लोग हमारे आइडियल नहीं है। और मुसलमान सच्चा और अच्छा मुसलमान आज भी सर उठा के जी रहा है और अच्छे से अपनी लाइफ ज़िंदगी जी रहा है, ये मोदी जी योगी जी ने योगदान दे के उनको जीना सिखाया कि कैसे आपको रहना है। देखिए एक तरफ टोपी वाले मुस्लिम भाई हैं और दूसरी तरफ पंडित जी हैं, इन्हीं लोगों से बात कर रहा हूं कि आखिर यहां का माहौल क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नारा तो जरूर चलता है, लेकिन 24 के चुनाव में क्या ये नारा साकार होगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन उपाध्याय, चाणक्य गुरु के नाम से यहाँ पे विख्यात। रोशन जी कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? बिल्कुल बगल में मुस्लिम भाई खड़े हैं और ये बिल्कुल जो गढ़ है वो अतीक अहमद का गढ़ है। देखिए चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जनता को साफ दिखाई दे रहा है, मुस्लिम भाइयों को भी साफ दिखाई दे रहा है, हिंदू भाइयों को भी साफ दिखाई रहा है कि अब कोई जातिवाद पर कोई भी मुद्दा लेकर कोई वोट नहीं ले सकता। धर्म जाति नहीं चलेगी, धर्म जाति कुछ नहीं चलेगी, यहाँ जब चलेगी इंसानियत चलेगी, विकास चलेगा, इंसानियत और विकास। भाई साहब आप बताइए, भाई सर ने कहा कि इंसानियत और विकास और धर्म पे वोट नहीं होगा, विकास इंसानियत। बहुत सही कहा इन्होंने, और पिछली सरकार में जो मुसलमानों को जो है बम पिस्तौल समाया जाता था, आज मोदी जी का नारा ये है कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान रहेगी, सब मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान रहेगी, ये मदरसे में हो भी गया, ये ज्यादातर ये जो है। राहुल भैया तो कह रहे हैं 1,00,000 रुपए महीना, 1,00,000 रुपया साल, 8,500। राहुल भैया भी कुछ दिन में जो है भाजपा ज्वाइन करने वाले, घबराइए नहीं आप, कुछ दिन में अखिलेश और राहुल जी भी जो भाजपा में आने वाले हैं, भाजपा में क्या कहेंगे आप? तो युवा हैं, युवाओं के लिए तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि तोहफा दिया है कि मुझको चुनाव जिताओ और 8,500 रुपए खटाकट अपने खाते में पाओ। देंगे भाई, भाई साहब मैं कहना चाहूंगा कि हमारे राहुल जी और अखिलेश जी जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना देख रहे हैं वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वो जो संविधान दिखा दिखा के कहते हैं ना, ये देखिए संविधान, ये खतरे में। भाई साहब मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी जी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार है। रितेश, मैं दलित समाज से आता हूँ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो लाल किताब संविधान की दिखा रहे हैं, उस किताब को आज आप दिखा रहे हैं, आप जब संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब इमरजेंसी लगाया गया था इनकी दादी के द्वारा, तब वो संविधान कहाँ था? वो भूल गए धारा 370 क्या थी? ये संविधान का माखौल उड़ाने वाले लोग हैं, और आज डरवा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान को गायब कर दिया जाएगा। आज हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, और एक साथ आज यह आपने देखा यहाँ खड़े हैं, आज हमारी मुसलमान बहन यहाँ खड़ी है तो सुरक्षित महसूस कर रही, तो वरना यही समाजवादी की सरकार थी, यही कांग्रेस सरकार थी, इन्हीं बहनों के चेन स्नैचिंग हुआ करती थी, इन्हीं बहनों का रेप हुआ करता था, चलती बस में रेप हुआ करता था, निर्भया कांड कोई भूला नहीं है। तो आज हमें डरा के ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगी, ये एक सपना है भाई साहब, ये सपने में जी रहे हैं, अभी 4 तारीख आएगी तो इनका सपना जो है चूर चूर हो जाएगा। 4 तारीख को क्या होगा? बिल्कुल आखिरी सवाल, आप महिला हैं, बिल्कुल मैंने आप लोगों को रोका यहाँ पर, आखिरी सवाल आपसे ही है। अतीक अहमद का गढ़ है ये, पूरे देश में चर्चा है इस गढ़ की, लेकिन जब योगी जी कहते हैं कि माफियागिरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बहनें सुरक्षित रहेंगी, बहनों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, आप कैसे देख रही हैं, क्या समझती हैं? देखिए एक बात बताएं, हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हमारा एक ही भाई है, जैसे ऐसे बहुत से परिवार है जो बहुत छोटे छोटे परिवार से हैं, संख्या बहुत कम है, 10 भाई बहन नहीं है, तो वो ऐसे ही समाज चाहते हैं जहाँ कोई मारपीट करने वाला ना हो, पहली चीज़। और एक चीज़ दोनों कौम में होती है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, जब देखिए घर बनता है तो
तो पूजा पाठ कराई जाती है, बंदिश वगैरह करी जाती ना, शैतान घर में ना सुकून से रह सके, तो वो बंदिश है मोदी सरकार और गठबंधन है वो शैतान। अगर बंदिश हटी तो शैतान सबके घर में घुस जाएगा, तो बेहतर है बंदिश बरकरार रहे, योगी सरकार और मोदी सरकार बरकरार रहे, तभी घर सुरक्षित है, 24 में आ रही शैतान मुक्त है, बिल्कुल आएगी तभी शैतान मुक्त है सबका घर, वरना फिर शैतानों से भर जाएगा। राहुल गांधी के 1 लाख नहीं चाहिए, क्या करेंगे 1 लाख लेके, उसमें से कुछ पैसे से लड़कों को असलाह दिलाएंगे, कुछ से शराब पिलवाएंगे, क्या हमें नहीं चाहिए भैया, हम खुद कमा खा सकते हैं ना, हमें क्या जरूरत पा ही जाए, कमा नहीं सकते हमें उनकी भीख क्यों चाहिए, हम खुद कमा सकते हैं, क्यों चाहिए हमें उनकी भीख। चलिए देख सकते हैं 4 जून को क्या होना है, और यहाँ पर एक तरफ नीरज त्रिपाठी हैं तो दूसरी तरफ उज्जवल रमन सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में, एक तरफ समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन से प्रत्याशी यहाँ पर है, और दूसरी तरफ भाजपा ने नीरज त्रिपाठी पर यहाँ पर दाव लगाया है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्या उनके मुद्दे हैं, और खासकर क्या अब की बार मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर अब की बार राहुल गांधी होंगे देश के प्रधानमंत्री, तो आपने इनकी राय सुनी, आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, प्रयागराज इलाहाबाद से।